नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस समय आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो प्लीज़ यार ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ लीजिए करिए, मैं आपके सभी कमेंट की रिप्लाई कर दिया करूँगा। और तो दोस्तों आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जियो फोन में अपने फोटो का हेयर स्टाइल कैसे बदल सकते हैं और कैसे अपने फोटो को और भी अमेजिंग बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे विनती है कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गए मैं अपने जियो फोन की तरफ। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको किस प्रकार अपने जियो फोन में अपने फोटो पर हेयर स्टाइल को सेट करना है मैं आपको पूरी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको हेयर स्टाइल का एक PNG डाउनलोड करना होगा। दोस्तों PNG डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू बटन को क्लिक करके अपने जियो ब्राउजर में चले जाना है। दोस्तों जियो ब्राउजर में जाने के बाद हमारा नीचे आना है। नीचे जाने के बाद डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको सर्च करना है हेयर PNG। दोस्तों यहाँ आपको हेयर PNG सर्च कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप PNG रहेगा तभी आप अपने फोटो पर सेट कर पाएंगे हेयर को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हेयर PNG को हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमें सबसे ऊपर जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा। इमेज वाले ऑप्शन पे जाकर आपको बहुत सारे PNG मिल जाएंगे, हेयर के बहुत सारे PNG मिल जाएंगे। आपको जो भी हेयर अच्छा लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक हेयर को ले लीजिए। चलिए हम इस हेयर PNG को ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जाना है, फुल साइज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बटन वाले क्लिक करके यहाँ पर आपको जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा PNG डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इसे क्विट कर लेना है। अब आपको फिर से जाना है अपने जियो ब्राउजर में और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों ऑनलाइन फोटो एडिटर। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन फोटो एडिटर लिख लेना है। दोस्तों ये ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आप अपने जियो फोन में अपने फोटो पर हेयर स्टाइल को सेट कर सकते हैं। चलिए इस वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑनलाइन फोटो एडिटर का एक वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको थोड़ी भी देर वेट करने के बाद हमारा फ्री ऑनलाइन फोटो editor.com का एक वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आफ्टर ऑल थोड़ा सा नीचे जाना है। दोस्तों आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ओपन URL के बगल में एक मिलेगा ब्राउजर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऐसे आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाकर आपको उस फोटो को चूज करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, जिस पर आपको हेयर को लगाना है। तो इस पर हम एक फोटो को ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन डन कर लेना है। डन करने के बाद हमारा फोटो अपलोड होने लगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद चलिए दोस्तों आपको फोटो दिखा देता हूँ। हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। दोस्तों अब इसमें आपको अपने हेयर को PNG को लगाने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जाना है दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पर आपको ब्राउजर वाले ऑप्शन पर जाकर गैलरी में जाकर आपको उस फोटो PNG को लेना है जिसे आपने हेयर PNG को डाउनलोड किया था, इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डन का, तो यहाँ पर आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ पर आपको PNG भी अपलोडिंग होने लगेगी। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा PNG अपलोड हो चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। यहाँ पर आपको साइज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दोस्तों दो वाले बटन को की को दबाकर यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट करके आपको इसको फोटो इस PNG को एक जगह सेट करना है, अपने बालों पर सेट करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दो वाले बटन को क्लिक करके आपको लेफ्ट राइट करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको करने में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने थोड़ा सा फोटो PNG को साइज को मेंटेन कर लिया, तो चलिए इसको नीचे जाकर इसको अपने बालों पे सेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर दो वाले बटन को क्लिक करके यहाँ पर ऊपर नीचे वाले बटन को क्लिक करके आपको अपने बालों पे इस हेयर PNG को सेट करना है। तो दोस्तों चलिए अपने बालों पर सेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी देर लग सकती है क्योंकि इस बहुत रिस्की काम है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा मेंटेन हो चुका है। अब इसके साइज को थोड़ा और भी छोटा कर लेते हैं अपने बालों पर लगाने के लिए। यहाँ पर आपको साइज वाले बटन पर जाकर फिर से दो वाले बटन को क्लिक करके आपको लेफ्ट राइट बटन को क्लिक करके आपको इसकी साइज को मेंटेन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट बटन को क्लिक करके आपको इसका साइज को मेंटेन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। चलिए इस पे दो वाले बटन को क्लिक करके आपको इसको बालों पे सेट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर
पर दो वाले बटन को क्लिक करके इसको बालों पे सेट कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं हमारा फोटो एडिट हो चुका है और यहाँ पर मेरा बालों पे लग चुका है। दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सेट कर लिया है अपने बालों पे हेयर पीएनजी को। अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। इसे सेव करने के लिए अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सेकंड वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो एडिट हो चुका है और हमारे फोटो पे पीएनजी लग चुके हैं। चलिए दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन वाले बटन को क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डाउनलोड इमेज, तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपका थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा पीएनजी और हमारा फोटो डाउनलोड जाएगा। इसको दोस्तों क्विट कर लेते हैं, चलते हैं अपनी गैलरी में अपने फोटो को चेक कर लेते हैं हमारा फोटो कैसा एडिट हुआ है, कैसा हमारा फोटो पे पीएनजी लग चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर हमारी फोटो मिल जाएगा। चलिए इसको जूम करके दिखा देता हूँ कितने अच्छी तरीके से हमारे फोटो पे हेयर स्टाइल लग चुका है। दोस्तों यहाँ पर एड हो चुका है। दोस्तों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपने जियो फोन में अपने फोटो पर कोई भी पीएनजी लगा सकते हैं, टैटू, चश्मा, कोई भी पीएनजी लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आप लोग वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट में लिख जरूर बताएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी देखें, इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।